दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने इस मोबाइल से इस मोबाइल पर यहाँ पे कॉल कर दिया है और इस मोबाइल पर यहाँ पे कॉल भी आ चुका है। मैं इस कॉल को यहाँ पे पिकअप कर लेता हूँ। जैसे मैं इस मोबाइल में यहाँ पे रिकॉर्डिंग यहाँ पे स्टार्ट करूंगा तो इस मोबाइल में यहाँ पे पता चल जाएगा कि इस व्यक्ति ने अपने मोबाइल में यहाँ पे रिकॉर्डिंग यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है। आप अपने मोबाइल में बिना सामने वाले को सुनाए कॉल रिकॉर्डिंग कैसे कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में आप ये जानेंगे। अगर सामने वाले को पता चल ही जाएगा कि सामने वाला व्यक्ति मेरी कॉल रिकॉर्ड कर रहा है, तो वो व्यक्ति आपको कॉल रिकॉर्ड क्यों होने देगा, वो व्यक्ति तभी कॉल डिस्कनेक्ट कर देगा। तो आप अपने मोबाइल में कॉल रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे, आज की इस वीडियो में आप ये जानेंगे, जिससे कि सामने वाले व्यक्ति को पता भी ना चले कि आप अपने मोबाइल में कॉल रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो अब मार्केट में जो भी मोबाइल आ रहे हैं उनमें बाय डिफॉल्ट कॉल डायलर होता है, जिसमें आप कॉल रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। अगर आप कॉल रिकॉर्डिंग करेंगे तो सामने वाले व्यक्ति के पास ट्यून जाएगा कि ये व्यक्ति आपकी कॉल रिकॉर्ड कर रहा है। तो इसके लिए आपको अपने मोबाइल में ट्रू कॉलर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। जाहिर सी बात है ट्रू कॉलर आपके मोबाइल में ऑलरेडी होगा, तो आपको अपने मोबाइल में ट्रू कॉलर को ओपन कर लेना। अगर पहली बार ओपन कर रहे हैं तो आपके सामने ट्रू कॉलर ओपन करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है। ट्रू कॉलर सिलेक्ट करके यहाँ पे सेट डिफॉल्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे एग्री एस कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अभी ये नंबर यहाँ पे वेरीफाई होगा, तो यहाँ पे ये नंबर यहाँ पे वेरीफाई हो चुका है, तो आपका यहाँ पे ट्रू कॉलर में यहाँ पे अकाउंट यहाँ पे बन जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे थ्री लाइन पर क्लिक करना है। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं ट्रू कॉलर में एक नया फीचर ऐड हुआ है, जिसका नाम है यहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग। आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। इसके सामने आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे न्यू लिखा हुआ है, जो कि ये न्यू फीचर है, तो इसके सामने यहाँ पे न्यू लिखा हुआ है, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। आपके मोबाइल में ये सेटिंग यहाँ पे ऑन मिलेगी, लेकिन ये सेटिंग अभी आपको यहाँ पे सेटअप करनी होगी, तभी आप इस सेटिंग को यूज कर पाएंगे। इसलिए आपको यहाँ पे सबसे पहले इस सेटिंग को ऑन कर देना, अगर आपके मोबाइल में ये सेटिंग ऑन नहीं है। इसके बाद आपको यहाँ पे सेटअप नाउ पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, अलाउ करेंगे, यहाँ पे गो टू सेटिंग पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको ये सामने यहाँ पे सेटिंग ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपको स्क्रोल डाउन करना है। ये रही यहाँ पे वो सेटिंग ट्रू कॉलर कॉल रिकॉर्डिंग, आपके मोबाइल में वहाँ पे डाउनलोड की सेटिंग होगी, आपको वहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद आप ट्रू कॉलर की इस सेटिंग को वहाँ पे अनेबल कर दीजिएगा। सेटिंग को अनेबल करने के बाद आप यहाँ पे बैक आएंगे, यहाँ पे गो टू इट पर क्लिक करेंगे, तो ये सेटिंग आपकी यहाँ पे अनेबल हो चुकी है, लेकिन अभी भी आपका यहाँ पे काम खत्म नहीं हुआ है। जब आप कॉल करेंगे तो आपके सामने वहाँ पे रिकॉर्डिंग के लिए बोलेगा, जिस कॉल को आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं वही कॉल आप वहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सभी कॉल को रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे सेटिंग के आइकन पर क्लिक करना है। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑटो रिकॉर्ड, आपको इस सेटिंग को यहाँ पे अनेबल कर देना है। और यहाँ पे एक और सेटिंग यहाँ पे डिसेबल बैटरी ऑप्टिमाइजेशन, आपको यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे अलाउ पर क्लिक करेंगे। अगर आप अपने मोबाइल में कॉल रिकॉर्डिंग की नोटिफिकेशन को रखना चाहते हैं कि पता चलते रहे कि आपके मोबाइल में कॉल रिकॉर्ड हो रही है या फिर नहीं, तो आप इस सेटिंग को यहाँ पे अनेबल करके रख सकते हैं, या फिर आप इस सेटिंग को यहाँ पे ऑफ कर सकते हो। तो मैंने इस मोबाइल में इस मोबाइल का नंबर यहाँ पे डायल कर दिया और यहाँ पे कॉल भी यहाँ पे आ चुके हैं। मैं इस कॉल को यहाँ पे पिकअप कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। अब आपके मोबाइल में जितनी बार भी कॉल आती रहेगी, आपके मोबाइल में वो कॉल ऑटोमेटिक रिकॉर्ड होती रहेगी। कॉल रिकॉर्डिंग आपको कहाँ पे मिलेगी वो मैं आपको बता देता हूँ। आप ट्रू कॉलर एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, यहाँ पे थ्री लाइन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग पर क्लिक करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग यहाँ पे आ चुकी है। इस कॉल रिकॉर्डिंग को सुनने के लिए आपको इस आइकन पर क्लिक करना है। तो जो भी आपके मोबाइल में म्यूजिक प्लेयर होगा, आपको उस म्यूजिक प्लेयर में इस फाइल को यहाँ पे ओपन कर लेना है, तो आपके मोबाइल में ये रिकॉर्डिंग यहाँ पे ओपन हो जाएगी, जिसे आप यहाँ पे सुन सकते हो। इस कॉल रिकॉर्डिंग को दूसरे मोबाइल में शेयर करने के लिए आपको यहाँ पे थ्री डॉट पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप शेयर पर क्लिक करेंगे तो आप किसी भी माध्यम से इसे दूसरे मोबाइल में यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हो। इस रिकॉर्डिंग को यहाँ से डिलीट करने के लिए आप यहाँ पे थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे डिलीट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे यस पर क्लिक करेंगे, तो आपकी ये कॉल रिकॉर्डिंग यहाँ पे डिलीट हो जाएगी।